नमस्कार, घटनाचक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज सबसे पहले जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, केरल में जन सुरक्षा यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है। कल से इसका आगाज कुन्नूर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से इसका आगाज किया गया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जो कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसके विरोध में ये यात्रा निकाली जा रही है। 15 दिनों तक की इस यात्रा में आज योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। 10 किलोमीटर तक की यात्रा उन्होंने भी की, कल अमित शाह भी 10 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की थी। क्या कुछ कहा गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो जरा पहले सुनते हैं। इनोसेंट पर्सन्स की, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचार परिवार के कार्यकर्ताओं की हो रही है, उसके विरोध में जन जागृति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जन जागृति यात्रा निकाली है। केरल की कम्युनिस्ट सरकार को, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल की सरकार के लिए यह यात्रा एक आईना है कि वे अपने कृत्यों के बारे में पश्चाताप करें और निर्दोष लोगों की हत्याएं बंद करें। यहाँ पर खासतौर पर इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि केरल में सीएम के गृह जनपद में अब तक सर्वाधिक राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और यह एक आईना है कम से कम उन लोगों की जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में निर्दोष और इनोसेंट पर्सन्स की हत्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की हत्याएं, हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं की हत्याएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यहां पर सरेआम हिंसा को प्रसरो प्रेरित करके एक जिहादी आतंक का माहौल यहां की सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसका विरोध करना हर भारतीय का दायित्व है और इसलिए केरल के कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए जन जागृति के इस अभियान में मैं भी भाग लेने के लिए आया हूं। इसके अलावा भी आपको बता दें, तमाम सारी बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। कल केरल के मुख्यमंत्री की तरफ से सवाल उठाया गया था कि केरल आ रहे हैं तो यहाँ के अस्पतालों को जरूर देखें, तो आज उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि जनसंख्या के लिहाज से जितने मामले डेंगू और चिकुनगुनिया से जितनी मौतें केरल में होती हैं उतनी मौतें उत्तर प्रदेश में नहीं होती हैं, तो आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिलीप के सिंह जी मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी के वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से आप देख रहे हैं आज जो अभी 15 दिनों तक यात्रा चलेगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री इस यात्रा में एक एक करके हिस्सा लेंगे। आज योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उन्होंने भी सीधा हमला बोला, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को आप? जो सबसे बड़ी बात है उसमें एक बड़ी साफ चीज है वो ये है कि जो वहाँ पे केरल में जिस सुनियोजित तरीके से, जिस क्रूर तरीके से या जिस तरीके से आरएसएस संघ परिवार, बीजेपी, उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं या उनके जो वैचारिक दृष्टिकोण रखने वाले उनके लोग हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं और उनकी हत्याएं हुई है, और ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये एक सुनियोजित ढंग से, अगर उसको हम कहें, अगर वो उसमें सच्चाई नहीं भी हो तो एक खुली रूप से कहीं ना कहीं एक नहीं हो तो टैसिट एक प्रोटेक्शन दिखता है कि जो वहाँ की सत्ता है, व्यवस्था है, सरकारें हैं, और जो एक ये एक एक ऐसी स्थिति है वहाँ पे कि एक दो ध्रुव, दो पोल पार्ट्स, जैसे एक संघ के विचारधारा और एक लेफ्ट जो है वाम के विचारधारा, इस विचारधारा के टकराव का ये परिणाम हिंसा में हो रहा है। जो लोग हिंसा को कंडेम करते हैं, जो लोग हिंसा के बारे में लगातार बात कहते हैं कि हिंसा को रोकना होगा, जो लोग एक कहीं पे हत्या हो जाए तो पूरे देश में वो खड़े होते हैं, यहाँ पे हो रही हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है और उस पर चुप्पी बड़ी जबरदस्त है। ये क्यों है? इसके कारण, अगर हत्याएं राजनीतिक विरोध करने वाले का हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है? मैं जो वामदल के नेता हैं वो कहते हैं कि आप इसको, योगी गए वहां पे उसका विरोध करने के लिए या उस यात्रा में शामिल होने के लिए, तो बोलता आप अस्पताल को देखिए। सवाल अस्पताल का नहीं है, सवाल एक मुद्दे, एक विषय है कि वहां पे आपके जो सियासी तौर से या वैचारिक तौर से विरोध करने वाले लोग हैं उनकी हत्या क्यों हो रही है, और इस हत्या अगर हो रही है तो इस हत्या के पीछे क्या कारण है, क्या आप उसको रोकने में नाकाम क्यों है? आप कर्नाटक में एक हत्या होती है,
पूरे देश में लोग सड़क पे आते हैं, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, इसके इसके खुल के इसको विरोध करना चाहिए। लेकिन ये विरोध जब सेलेक्टिव होता है, आप देखिए केरल में जो हत्याएं हैं उसको लेके कांग्रेस का बयान आ जाया है, कांग्रेस ने भी बयान दिया है, तो मेरा सवाल ये है कि इतना आप सेलेक्टिव होके किसी चीज के पक्ष में या विरोध में लोकतंत्र में कैसे रह सकते हैं? आप एक तरफ लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की आप बात करते हैं, आप उसकी दुहाई देते हैं, और दूसरे तरफ उसके बीच में आप क्या करते हैं? ये देखिए कि आप पूरी तौर से पूरी तरह से वहां पे एक आज अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी नाथ, उनको ले जाने के पीछे ये जरूर है कि एक हिंदुत्व की जो विचार है वो एक जीता जागता उदाहरण के रूप में वो जाते हैं। अमित शाह उनसे बड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको ले जाने का एक अपना मैसेज है, लेकिन उस मैसेज के पीछे जो आपसे आज लड़ने लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने सड़क पर उतरे हैं, ऐसी स्थिति क्यों हुई? ये एक विचार करने लायक एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है जो सीपीएम के नेता बालकृष्णन हैं, उन्होंने उनकी तरफ से कहा गया कि आरएसएस की तरफ से प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 200 के आसपास जो है मौतें हुई हैं, हत्याएं हुई हैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, लेकिन जो सीपीएम के कार्यकर्ता है 650 से ज़्यादा मारे गए। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, और दूसरा मेरा सवाल है, अगर इसके राजनीतिक पहलू पर जाएं तो बीजेपी की तरफ से केरल में एंट्री करने की कोशिश हुई थी, एक हिंदू संगठन के साथ वहाँ पर एक टाइप भी हुआ था, लेकिन उतना लाभ नहीं मिला। क्या ये जो ये 15 दिन की रैली है, राजनीतिक लाभ के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? क्या बीजेपी को एंट्री मिल पाएगी केरल में या नहीं? वो एक दूसरा सवाल है, एंट्री वहाँ मिलेगी, वहाँ पे सियासी जमीन तलाशेगी, वहाँ चुनाव लड़ेगी, देश का एक राज्य है जहाँ पर कि अब तक LDF और UDF का वर्चस्व रहा है जी। वो चार राज्यों में अगर हम देखें तो कर्नाटक को अगर छोड़ दें तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में उनकी अपनी सरकार रही है, आंध्र प्रदेश में वो NDA के साथ उनके सहयोगी है जिनके साथ सरकार है, उनकी सरकार वहाँ चल रही है, तमिलनाडु में उनको सीट मिले, और केरल में वो लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो एक सियासी लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो अलग है, ये जो लड़ाई है इससे सियासी फायदे का नुकसान करके आकलन करके उसका फायदा देख के अगर हम आकलन करेंगे तो मुझे लगता है वो जस्टिफाइड नहीं है। ये देश में किसी भी इलाके में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे इस तरह के जहां पे भी माहौल जो ये आप लोकतंत्र में आपको हक है, आप अपनी लड़ाई लड़िए, अपनी बात कहिए, लेकिन ये कि वहां पे हत्याएं हो और सिलसिलेवार ढंग से हो तो मुझे लगता है कि इसको लेके जो बात होनी चाहिए थी उस वो केंद्र में होना चाहिए, और मैं उसको केंद्र में रखना चाहता हूं। जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि उसको कितना सियासी फायदा होगा या नहीं, सियासी फायदा नुकसान हो सकता है, उसके होंगे फायदे भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है इसका फायदा लेफ्ट को भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के कि क्या ये मसला सियासी फायदे नुकसान का है, क्या देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देने वाले लोग या उसके लिए सो कॉल्ड जो कहते हैं कि हम चैंपियन हैं, वो चैंपियन क्या इस पे आंख बंद कर लेंगे? और इस पे आंख बंद करने के बाद क्या फिर आप कहीं और अगर हिंसा होती है तो उसको फिर आप कहेंगे देखिए इस हिंसा को देखिए? तो सेलेक्टिव एमिनेसिया जिसे हम कहते हैं उसका शिकार आप नहीं हो सकते हैं। आप एक जगह भूल जाएंगे, एक जगह याद रखेंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये जो 15 दिन की रैली है, आप इसको इसे राजनीतिक रैली देख रहे हैं या इसे आप वाकई में ये देख रहे हैं कि हाँ ये जो रैली है ये एक अवेयरनेस फैलाने के लिए या जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने के तरीके से देख रहे हैं? इसमें दोनों चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सियासी लड़ाई भी लड़ रही है वहां पे, और वो लेफ्ट के खिलाफ UDF LDF दोनों के खिलाफ लड़ रही है, और वो अपनी जमीन तलाश रही है, उसके लिए उनके कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता उनको वैचारिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं वो जब हिंसक तरीके से एलिमिनेट किए जा रहे हैं वो एक बड़ा मुद्दा है, वो एक इश्यू है जिसके ऊपर अगर आप मैं कहता हूं कि RSS के ही नहीं CPM के भी या वाम दल के भी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं तो क्या वो जायज है? क्या वो भी जायज नहीं है? तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को, जो लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी है उसको, जो स्टेट है उसको मजबूती से इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आपके मतभेद हो सकते हैं, वो सियासी मतभेद है, लेकिन मतभेद में समर्थकों के, कार्यकर्ताओं के, नेताओं की जान जाए, उसकी जान ले ली जाए, ये एक
विषय ऐसा है, मुझे लगता है उसको फोकस से अगर हम अलग करते हैं, हटाते हैं, तो वो एक अन्याय होगा। न्याय ये है कि आप उसको फोकस, सीताराम येचुरी, वृंदा कारत, ये तमाम लोग बीजेपी के ऊपर हमला करें जो कह रहे हैं कि आप अस्पताल देखिए, आप रोड देखिए, आप शिक्षा देखिए, लिटरेसी देखिए, बट हाउ विल दिस जस्टिफाई द किलिंग ऑफ इनोसेंट और पॉलिटिकल किलिंग? आप इस सियासी जो हत्याएं हैं उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप अच्छा हॉस्पिटल चला सकते हैं, आप अच्छी सड़क बना सकते हैं, आपके प्रशासन अच्छे हो सकते हैं, तो फिर ये हत्याएं क्यों? चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौट रहे हैं और इस विषय पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन सुरक्षा रैली केरल में इस समय चलाई जा रही है, क्या कुछ उसके मायने हैं और जिस तरीके से वहां पर पिछले कुछ दिनों में लगातार जो हिंसा हुई है, जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की को जान से मारने की घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे अब कि अब चूंकि यात्रा चल रही है, 15 दिनों तक चलेगी, आज दूसरा दिन है इसका, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन 15 दिनों की यात्रा के, क्या कुछ संदेश जो है केरल की जनता के मन में जाएगा, वहां के प्रशासन पे जाएगा और इसके राजनीतिक पहलू क्या कुछ है? देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति इसी प्रकार से होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई हिंसा हो रही है तो उसका जवाब हिंसा से देने की बजाय उसका जवाब इसी प्रकार से आप धरने, प्रदर्शन, आप यात्राओं के माध्यम से अहिंसक तरीके से अपने राजनीतिक विचार का प्रचार करते हुए, राजनीतिक विरोधियों का विरोध करते हुए, कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा असर होगा वो मनोवैज्ञानिक होगा, क्योंकि अभी तक वहां जैसे जब अगर सत्ता में सीपीएम है तो आरएसएस के कार्यकर्ता या आरएसएस से सहानुभूति रखने वाले भी थोड़ा भयभीत रहते थे, खुल के नहीं बोलते थे। जो लोग चाहते भी थे कि हम संघ का, बीजेपी का सपोर्ट करें, उनको भी मजबूरी में सीपीएम का सपोर्ट करना पड़ता था या उससे जुड़ी हुई पार्टियों का, क्योंकि वो मालूम था कि अगर चुनाव के बाद अगर ये जीत गए उसके बाद हमारी क्या दशा होगी। तो उससे बाहर निकालने के लिए उस मना स्थिति से लोग बाहर निकले, निर्भय होकर के हमारा समर्थन करें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये रखा है। और पिछले विधानसभा चुनाव में आपको मालूम है 14.8% वोट करीब भारतीय जनता पार्टी का है, जो बड़ा वोट है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा का मायने यह है कि इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो सूट अप करना चाहिए, साथ ही साथ जो हिंसा की प्रवृत्ति है उसमें कमी आनी चाहिए, कानून और व्यवस्था चलाने वाला जो वहां की एजेंसियां हैं उनके भी धारा बदलनी चाहिए। जब मैं बैठा था तो आप दिलीप जी से क्वेश्चन कर रहे थे कि सीपीएम के इतने कार्यकर्ता मारे गए और उनके भी मारे, ये उन्होंने कहा। अब सीपीएम दावा करती है, देखिए सवाल यह है कि ये सीपीएम का दावा है जी, वही मैं कह रहा हूं। हाल के दिनों में जो हत्या की खबर आई है वो ज्यादातर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर आई है। ये संभव है कि आरएसएस की कार्यकर्ता की जब हत्या होती है या बीजेपी की तो बदले में कुछ सीपीएम के लोगों को भी मारते होंगे, लेकिन ये शुरुआत सीपीएम की तरफ से हुई 1949 से, वहां शुरू हो गया था केरला में ये जब गुरु गोलवलकर का वहां कार्यक्रम चल रहा था और तिरुवनंतपुरम में, और उस पर हमले हो गए थे और काफी कार्यकर्ताओं को कम्युनिस्टों ने वहां घायल कर दिया था। तो मेरा अपना कहना है कि आखिर ये कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में ही ऐसा क्यों होता है? आरएसएस जो है पूरे देश में काम कर रही है, बीजेपी पूरे देश में है, और राज्यों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या या आरएसएस के द्वारा दूसरे कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों नहीं होती है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके केरल में अपना पांव फैलाने के लिए और अपना जन समर्थन बढ़ाने के लिए एक बड़ा उचित फैसला लिया है, और मुझे लगता है कि इससे जो एक माहौल बनेगा
वो आने वाले चुनाव में उसका हमको असर देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग ये जरूर मानेंगे कि कम से कम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आलोचना तो करे, विरोध तो करे, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता वहां इस प्रकार से हत्या में संलग्न है और जो ये घृणा का वातावरण है उसको दूर करने की कोशिश करे। उनको भी निकालना है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध एक मार्च वो भी निकाले अगर वो चाहते हैं। लेकिन जो हिंसक की और हिंसा और प्रतिहिंसा की जो प्रवृत्ति है ये दूर होनी चाहिए क्योंकि ये खतरनाक है। उपेंद्र जी, ये जो हमने जब वाम दलों का शासन जो है पश्चिम बंगाल में रहा तब भी वहां पर हमने जो है काफी हिंसा देखी। अब हम वहां केरल के अंदर जहां पर की शिक्षा जो है काफी, एजुकेशन लिटरेसी लेवल काफी हाई है, बाकी चीजों में चीजें काफी अच्छी चल रही हैं, क्या वजह आप देख रहे हैं कि इस तरह की हिंसा की पीछे वजह क्या हो सकती है? बहुत लोग कहते हैं कि अशिक्षा की वजह से हिंसा होती है, केरल में तो ये भी स्थिति नहीं है। देखिए, बंगाल में और केरल में दोनों में फर्क है। बंगाल में जो हिंसा हो रही होती थी वो एक तो 70s में नक्सलाइटों की हिंसा थी, टीएमसी लट गई, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और कम्युनिस्ट के बीच में जो हिंसा है हमें लगता है केरल से ज्यादा हिंसा कहीं नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा ये बहुत 80s से जब से हमने अखबार पढ़ना शुरू किया तभी देखते हैं कि प्रत्येक साल आरएसएस के लोग और सीपीएम सीपीआई के लोग लेफ्ट और आरएसएस हमेशा वो, कभी भी हमने ऐसा कोई भी ऐसा साल नहीं गया होगा कि किसी ने किसी प्रकार की हिंसा दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं हुआ है। अब है कि केंद्र में है बीजेपी की सरकार है, इनके हौसले ज़्यादा बुलंद है, वहाँ प्रदेश में तो हमेशा रहा ही है, सरकार भी रहती है, विपक्ष भी रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनली मजबूत है, आरएसएस लेफ्ट पार्टियाँ हैं तो वहाँ हिंसा होती रही है। अब इधर ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी असर्ट करने लग गए होंगे, जब एक पक्ष थोड़ा कंप्रोमाइज कर ले, थोड़ा झुक जाए, थोड़ा भाग जाए तो वो दिखावटी हिंसा कम होती है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड संस्थानिक हिंसा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो आपके डायरेक्ट वायलेंस वो कम रहता। अब एक डायरेक्ट वायलेंस भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि ये भी एसर्ट कर रहे होंगे, इनको भी लगता होगा कि भाई तुम सत्ता में हो तो हम भी सत्ता में। इस तरह से हिंसा प्रतिहिंसा ये चल रही है और ये दौर लगातार चल रहा है और जाहिर है कि जो हिंसा के शिकार होंगे वो इसका विरोध करेंगे ही, वो प्रतिरोध करेंगे ही, वो अपने हिसाब से सही तरीका भी हो सकता है, उनका गलत तरीका भी हो सकता है, अनजस्टिफाइबल तरीका, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, उस तरीके को भी अपना सकते हैं, दोनों तरफ के लोग पर लागू होता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का है कि लोकसभा चुनाव में वोट आया ठीक, विधानसभा चुनाव के लिए एक पार्टी है SNDP, उसने एक भारतीय धर्म जन सेना नाम की पार्टी बनाई, श्री नारायणा गुरु परिपाल धर्म परिपालन योगम, तो ये जो योगम है उसने एक बना रखा, उसके नतेशन है महासचिव, उन्होंने बना लिया भारतीय धर्म जन सेना, उससे भारतीय जनता पार्टी ने तालमेल किया, कुछ वोट बढ़े, सीटें नहीं आई, एक सीट मिली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन हाँ वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया, लेकिन दोनों में फिर टेंशन हो गया। अब है कि लोग जो चुनाव हुआ बाद में लोकल बॉडी का, उसमें स्थिति खराब हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण है कि उसका डाउनस्लाइड हो गया। डाउनस्लाइड होने के साथ साथ दूसरा है कि अब उसके साथ डिफरेंसेज हो गए हैं, शायद SNDP अब भारतीय जनता पार्टी से अलग होने वाला है। फिर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दो पक्ष था, एक का कहना था कि इसे कोई फायदा नहीं है SNDP को साथ लेने से, दूसरा जो खास करके दिल्ली चाहती थी कि नहीं हम साथ में लें, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना भी अंतर्कलह था जिसके कारण वो BJP की स्कीम में फिट नहीं बैठा SNDP। फिर पता नहीं चुनाव के पहले कुछ इन्होंने प्रॉमिस किया था SNDP के बेटे को कि हम तुम्हें राज्यसभा में भेज करके क्या करके मंत्री बना देंगे, बनाया नहीं, तो वहाँ से SNDP अब अलग हो रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रहा है कि हम SNDP या एक और NSS है वहाँ, नायर सोशल सर्विस, तो सोसाइटी है नायरों की है, तो उसके साथ भी कोशिश की थी, उससे भी नहीं बन पाया। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमें कोई बैसाखी पर हम डिपेंड हो नहीं सकते हैं, अपने आप को मजबूत करना है, तो हमें लगता है पूरा अपनी ताकत झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो, SNDP पर हमारी निर्भरता नहीं रहे या NSS की तरफ हम नहीं ताके, या कोई चर्च वगैरह है उसको हम अपीलमेंट नहीं करें, तो ये पूरा का पूरा है जो अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बुलंद करने के लिए, या जो लोग समर्थक हैं, सिंपैथी रखते हैं BJP से लेकिन डर से शामिल नहीं होते हैं, उनको ये हौसला अफजाई का ये पूरा का पूरा है। बाकी वहाँ कोई बड़ी कोई ताकत है नहीं भारतीय जनता पार्टी, मुख्य मुकाबला तो UDF जिसका लीडर है कांग्रेस और LDF जिसका लीडर है CPM, यही दोनों के बीच होना है, तो आने वाले समय में ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अब
एक आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजी की पार्टी है, दूसरी आइडियोलॉजी से उसका झगड़ा है, तो ये अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर ये शांति हो जाए तो अच्छी बात है, अगर वायलेंस बढ़ता है तो ये तो और खराब होगा। ये हिंसा की हम बात कर रहे थे, ये हिंसा आपको क्या लगता है, सिर्फ विचारों की लड़ाई की वजह से किसी को जान से मार देना ये वजह है, या इसके पीछे कोई और कारण भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो हत्याएं हो रही हैं? देखिए, सीपीएम का जो कैडर है, पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि जो अपोनेंट है उनको अगर वो आइडियोलॉजिकली उससे डील नहीं कर पाते हैं तो उसके साथ फिजिकल वायलेंस की खबरें जो है टीएमसी के नेताओं ने भी की थी, लगातार थी। और कई सारे टीएमसी के नेता, ममता की जो सीपीएम से पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई रही है वो एक वायलेंट, कई जगह वायलेंट हुआ, कई वायलेंस हुए। और पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम इस समय देखें, वहां पे एक कंफर्ट लेवल था यूडीएफ एलडीएफ, और वो एक व्यवस्था वहां पे चल रही थी जिसमें बीजेपी ने वहां घुसपैठ करना शुरू किया। बीजेपी और संघ के तरफ से जब वहां घुसपैठ हुआ पूरे संघ परिवार के तरफ से, तो इसको दोनों के लिए एक थ्रेट के रूप में देखा गया और इस थ्रेट परसेप्शन से लड़ने की कोशिश की गई। तो पहले तो बहुत सारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जाहिर है सत्ता का कुछ अपना कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं और सारी पार्टियां करती हैं, वहां तक तो तमाम पार्टियां। लेकिन जिस तरह से कुछ हाल के दिनों में अगर हम देखें, हाल महीनों में 10 बीजेपी संघ जो कार्यकर्ता संघ परिवार के बीजेपी के मारे गए हैं, ये आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं कि इतने कम दिनों में इतने लोग मारे गए हैं। और ये जो है एक सरकार संरक्षित वहां पे इस तरह का किलिंग है और पॉलिटिकल अपोनेंट को फिजिकली वायलेंटली एलिमिनेट किया जा रहा है। आप इस बात पे अगर सीपीएम के नेता या उनके पार्टी के नेता से आप बात करें तो वो कहते हैं उनके भी कार्यकर्ता मारे गए। मैंने पहले भी कहा कि किसके मारे गए हैं सवाल ये नहीं है, क्यों मारे जा रहे हैं उसको रोकना कैसे है ये सवाल, है। और आज जो जो सीताराम येचुरी और सीपीएम के तरफ से अमित शाह उस 15 दिन के यात्रा को कट शॉर्ट करते हुए वो दिल्ली, किसी उन्होंने कहा कि वो इमरजेंसी काम के लिए वो दिल्ली उनको जाना पड़ रहा है, तो उन्होंने सीपीएम के तरफ से जो ट्वीट आया है कि आई केम आई सॉ आई फ्लेड, तो और उससे पहले अगर देखेंगे तो सीपीएम के नेताओं ने कहा आप आइए यहां देखिए कि अस्पताल कैसे चलाया जाता है। उससे पहले अगर सीपीएम को ट्वीट के आप देखें तो देखिए कि आप योगी सबसे जहां पे कानून और व्यवस्था नहीं है जिस राज्य के मुख्यमंत्री वो यहां कानून और व्यवस्था के लिए जन यात्रा वो यात्रा करने आ रहे हैं, तो आप उसको डाइवर्ट, यू आर नॉट आंसरिंग, या उस पर आप जो कोर इश्यू है उस पर सीपीएम के नेतृत्व के तरफ से, पार्टी के तरफ से, उनके समर्थक के तरफ से, उनके जो समर्थन करने वाले सोशल मीडिया पे लोग हैं उस पर नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए उस अस्पताल में, योगी के शासनकाल में अस्पताल में लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आप यहां देखिए कैसे चलता है। तो ये जब आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं, अगर आपके पास जवाब है, अगर सीपीएम और लेफ्ट के पास इसका जवाब है तो स्वाभाविक है कि उसको आपको जवाब देना चाहिए, और वो जवाब अगर देते तो वो ज्यादा बेहतर होता। आप आंकड़े दे रहे हैं कि उनके मर रहे हैं तो हमारे भी मर रहे हैं, तो इसको ये तो स्थापित तो कर रहा है कि चलिए वो आपसे सियासी लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बट वहां सरकार तो आपकी है, सरकार आप चला रहे हैं वहां पे, तो आप इसको ये कहते हुए कि हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं और इससे हम इसको जस्टिफाई करेंगे, हाउ विल यू जस्टिफाई द किलिंग ऑफ इनोसेंट और इवन पॉलिटिकल वर्कर्स जस्ट बिकॉज कि आप कह रहे हैं कि ये चीजें हमारे यहां भी हो रही है हमारे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक दिखाता है, दर्शाता है कि लेफ्ट के वहां पे जो नेतृत्व है उनके पास ठोस, जैसे कहते हैं, इस पे जवाब नहीं है। और यही कारण है, यहीं से जो आप दूसरा जो सवाल है कि 15 दिन के यात्रा है, 15 दिन के यात्रा से उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, अगर लेफ्ट पार्टी के नेता, अगर लेफ्ट पार्टी की सरकार, लेफ्ट पार्टी से अगर लोग इस जवाब को देखेंगे कि भाई कोई लोग पॉलिटिकल विरोध करने के लिए आपके हत्याओं का विरोध करने आ रहे हैं, आप उस पे जवाब नहीं देके आप उसको लेफ्ट राइट और कहीं कहीं कुछ कह के हवा में उड़ाना चाहते हैं, तो लोग फिर उस पे चिंतन भी करेंगे और लोग उस पे फिर जवाब भी देंगे। अदय जी, ये अभी जो उपेंद्र जी भी एक आंकड़े दे रहे थे, मैं सिर्फ राजनीति से जुड़ा हुआ आपसे सवाल कर रहा हूँ, हिंसा पर हमने काफ़ी देर बात की, कि क्या जो वहाँ पर
कॉम्बिनेशन है रिलीजन वाइज कास्ट वाइज या किसी भी हिसाब से, उसमें बीजेपी क्या एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं वहां पर? किस तरीके से वहां पर वहां के कॉम्बिनेशन को आप पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इन 15 दिनों के बाद? क्या किस तरह का शूटअप जो आप कह रहे थे कि उसके बाद एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक 14% जो है जो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट जो है बीजेपी के पक्ष में जो है अब तक का रहा है, वो बाद में कम हुआ है। तो 2019 में क्या बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि अगर यूपी में या बाकी जगहों पे कुछ कमी होती है तो वो बाकी राज्यों से कंपनसेट की जाएगी, तो केरला वो क्या योगदान कर सकता है उसमें? देखिए आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका आकलन है कि पूरे देश में हमारा काम कहीं सबसे सशक्त है तो वो केरल में है, ये आप समझ लीजिए। आरएसएस अपने अन्य जगह के कार्यक्रमों में केरल का उदाहरण देती है कि वहां इतनी शाखाएं लगती हैं, समय पर लगती है, इतने कार्यकर्ता आते हैं। केरल में क्या होता है कि जैसे सीपीएम से विरोध के कारण चुनाव में आरएसएस के कार्यकर्ता भी कई जगह मजबूरी में यूनाइटेड फ्रंट को, जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसको वोट करते हैं, क्योंकि उनको उनको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को हराना है या बाकी करना है तो ऐसे करते हैं। कई जगह वो मार्क्सवादी को, कई जगह तो ऐसा माना गया है कि मैंने मुस्लिम लीग या बाकी का विरोध करना है तो उसको उसको पराजित करने के लिए वो वामपंथियों को भी कई जगह वोट कर दिए हैं लड़ाई के बावजूद। तो आरएसएस के जो वहां कार्यकर्ता हैं, चूंकि उनकी पार्टी विकल्प में नहीं होती है कि हाँ हम मजबूत विकल्प में है, या आरएसएस के जो समर्थक हैं वो दूसरी जगह भी वोट करते रहे हैं। इस पर एक विवाद भी बड़ा खड़ा हुआ था 2005 के आसपास से, अब उसके बाद कभी खड़ा हुआ था, जो कहा गया था, किसी का बयान आया था, मैं भी भूल रहा हूं, कि यहां सब आरएसएस का विरोध करते हैं और केरल में जो है आरएसएस से एके एंटोनी और जैसे लोग जो है समर्थन मांगते हैं, जिस पर बड़ा विवाद हुआ था और खंडन हुआ था। तो वो ये करते हैं, तो जाहिर है कि वहां जो स्थिति है, देखिए ये जो स्थिति बन रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तीसरे फोर्स के रूप में तो आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो पहले तीसरे फोर्स के रूप में नहीं आई है। अब उसको यह है कि पहले और दूसरे फोर्स के रूप में उसको स्थानापन करना है, तो उसका तरीका यही हो सकता है ना कि एक व्यापक तरीके से, केवल जाके भाषण दे देना, अखबार में बयान दे देना, कोई कार्यकर्ता मर गया उसके घर चला जा करके आप कंडोलेंस कर देना, कुछ पैसा दे देना, इससे जो है वो माहौल नहीं बनता है। लेकिन जब भारी संख्या में एक साथ लोग सड़कों पर उतरते हैं, लोग चल रहे हैं, देश भर से नेता जा रहे हैं, 15 दिन तक एक बड़ा कार्यक्रम चलता है, फिर इसके फॉलोअप में कार्यक्रम वहां चलेगा, सभाएं होंगी, तो इसका एक व्यापक असर होगा। वो जो दूसरी जगह वोट जाते थे वो वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर आने की संभावना बढ़ेगी, और मेरा मानना है कि ये 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वहां वोट परसेंटेज ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं जिसकी ओर शायद ध्यान नहीं गया, जो आप हिंसा के बारे में पूछ रहे थे। देखिए कम्युनिस्ट लोग बाद में उन्होंने अपने को एक सेंट्रिस्ट पार्टी में चेंज जरूर किया संसदीय लोकतंत्र में, लेकिन उनका जो मूल उनकी विचारधारा रही वो हिंसा पर टिकी रही है, जो उनकी क्रांति के भी विचार रहा है वो हिंसा पर रहा है। तो आरंभिक दिनों में वो एक कम्युनिज्म एक विचार था जिसको कि हम कैसे संघर्ष करके और कैसे जीतेंगे, और वो एक घृणा का दौर चलता है। पश्चिम बंगाल में आपको भी मालूम होगा कि ये केवल विरोधी पार्टियों से नहीं लड़ते थे, इनका बने साथ होते हुए भी सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं में लड़ाई होती थी और खून होती थी और उनके बेस केस चल रहे हैं। जो तीसरी पार्टी थी सीपीआई के अलावा, नाम भूल रहा हूं क्या नाम है उसका, आरएसपी से उसकी लड़ाई चलती रही है, और आरएसपी से खून अनेक आरएसपी के कार्यकर्ता के मर्डर के केस सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर चल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो केवल आरएसएस और उसी के बीच उनकी लड़ाई रही है, वो जो उनका एक चरित्र है काम करने का, उसमें एक बुद्धिजीवी वर्ग ऊपर का है, उसको तो कोई वो तो बहस वगैरह करता है, वो नहीं अंजाम होता है। लेकिन एक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग होता है जो अपने सामने अपने विरोधियों के साथ हिंसा करता है, यह प्रवृत्ति पश्चिम बंगाल में भी देखी गई है, यह प्रवृत्ति त्रिपुरा में भी देखी दे गई है, और इसका सबसे भयावह और विभत्स रूप हमने केरल में देखा है। लास्ट कमेंट आपका। एक और बात है जी, जो एनसीआरबी के जो रिकॉर्ड है, जो 91 से लेकर अभी तक का जो रिकॉर्ड है, उसमें 45 वर्कर सीपीएम के, 44 वर्कर बीजेपी के, 4 वर्कर मुस्लिम लीग के एंड 15 कांग्रेस के कुन्नूर में मारे गए, एक जिले के अंदर। अगर इस आंकड़े को हम देखते हैं तो इसमें दो चीजें, 44 बीजेपी के,
जहां पर कांग्रेस के 15, सीपीएम के 45 और मुस्लिम लीग के 4। इस आंकड़े को एक जिले में अगर 91 से लेकर अब तक देखेंगे तो ये बड़ा चौंकाने वाला और बड़ा भयावह भयानक खतरनाक आंकड़े हैं। ये एक जिले में क्या इतना पॉलिटिकल किलिंग, पार्टी के नेताओं की हत्या हो सकती है क्या? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? तो मुझे लगता है इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो केरला में हिंसा है, दूसरे आप एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो केंद्र में सरकार है, राज्यों में भी सरकार है, हम कुछ दिन में वहां पे देखिए, आज जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो वहां ने उन्होंने जिहादी टेरर की बात की है, उन्होंने लव जिहाद के ट्रेंड की बात की है, उन्होंने जिन चीजों को इस दोनों चीज को जो फोकस में लाया है उसका केरला के पॉलिटिकल वायलेंस से क्या मतलब है। तो जो सवाल आप पूछ रहे थे उसका उसकी सीमा जो है सिर्फ वहां तक नहीं है। लव जिहाद की आवाज को जो वहां से उठाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उससे कहां कहां असर हो सकता है और क्या असर हो सकता है, इसको ये सबके सामने है। जिहादी टेरर कश्मीर से क्या वो कनेक्ट होगा या कहां तक वेस्ट बंगाल के जो वहां पे हो रहा है रोहिंग्या के नाम पे कुछ चीजें और बहुत सारी और चीजें, क्या वहां पे भी चीजें इसका असर होगा? फिर हम देख रहे हैं कुछ दिनों में, अगर हम देखें कुछ घंटे पहले जब से अमित शाह ने उस यात्रा की शुरुआत की है, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कई ऐसे मंत्री भी टेलीविजन चैनल पे आके बातचीत कर रहे हैं इस पे अपनी बात। आने वाले समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री केरल जाने वाले हैं, निर्मला सीतारमन, धर्मेंद्र प्रधान, वीके सिंह वहां जाने वाले हैं। तो यहां से एक तरह से जो हिंदुत्व का विरोध सबसे ज्यादा करने वाले लोग हैं, या हिंदू जो बीजेपी का कल्चरल नेशनलिज्म जिसकी और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, तो उसके विरोध करने वाले लोग का जो हब है यूडीएफ और एलडीएफ, एक तरह से दोनों केरला में है। दोनों को एक साथ अगर वहां पे दोनों आते हैं, बीजेपी को केरला में सीट मिले या ना मिले, सिर्फ असेंबली में एक सीट है, कोई पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी वहां पर उन्होंने नहीं जीता है, तो उनकी जीत नहीं हुई है। तो इससे बहुत साफ है कि एक जो लड़ाई है वो 19 की भी, ये सिर्फ किलिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसको इस लड़ाई को एक वैचारिक की, देखिए लोकतंत्र में आपको लड़ना है तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना होगा, लेकिन उस लोकतांत्रिक तरीके में बहुत सारी चीजें को सम्मिलित किया गया है, और ये वो पॉलिटिकल ओवरटून, ये पॉलिटिकल चीजें हैं जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि आने वाले समय में बीजेपी, अभी गौरी लंकेश की हत्या के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पे, जबकि वहां कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, अभी तक चीजें वहां पे दुरुस्त नहीं हुई है, लेकिन उसको लेके किस तरह से हमने चीजों को देखा है। और तो आप ये देखिए कि कुल मिलाकर के ये जो लड़ाई है इसकी शुरुआत केरल से जरूर है, लेकिन इसकी अंत जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो केरल तक सीमित नहीं है। लास्ट पॉइंट बहुत संक्षेप में उपेन जी, आपका, फिर जो है अगले विषय पर चलते हैं, पूरे विषय पर आपके आखिर। देखिए वहाँ अवधेश जी ने भी कहा और हमें जानते हैं कि केरल में आरएसएस बहुत मजबूत रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक ताकत नहीं बन पाई, तो इनको लगता कि हमारे विचार के प्रति प्रतिबद्ध लोग इतने ज़्यादा संख्या में हैं लेकिन वो पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन पा रहा है। तो वहाँ समस्या ये है कि जो नेगेटिविज्म ऑफ पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिक्स होती है, नकारात्मकता की राजनीति होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी में हमार खा जाती है। ये यूडीएफ के साथ मुस्लिम लीग होती है और केरला कांग्रेस मनी, केरला कांग्रेस मनी है जो क्रिश्चियन लॉबी की पार्टी है, मुस्लिम लीग तो नाम से ही आपको साफ लग रहा है। तो उसमें जो हाँ, तो उसमें है कि उसका फायदा जो होता है ना कि हिंदुइज्म का जो फायदा है, मतलब कि एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन सेटलमेंट है, उसका फायदा लेफ्ट को मिल जाता है। वहाँ आपको याद होगा कि वहाँ के अच्युतानंदन जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कुछ इस तरह का बयान दिया था, जिस तरह के बयान आरएसएस के लोग दिया करते हैं कि वो जिहाद है या ये पाकिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो वो जब भी वोटिंग का टाइम आता है तो उसमें ये लोग जो को लगता है कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है, क्रिश्चियन अपीजमेंट हो रहा है, खास करके अभी के पहले वाली जो सरकार थी उसमें आधा से ज़्यादा माइनॉरिटी के ही मिनिस्टर थे, मतलब आधा अगर रहे फिर भी है, करीब दो तिहाई थे माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो था इसके पास, केरल कांग्रेस मनी और मुस्लिम लीग के पास था। तो उसका जो निगेटिविज्म होता है उसका फायदा मिल जाता लेफ्ट को। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करना
कोई आसान काम नहीं है। आपके पास वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोग रहे भी, पॉलिटिक्स करना तो कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर जब तक वहां नहीं बन पाएंगे, जब तक डिसाइड नहीं करने लग जाएंगे, क्योंकि दिक्कत है कि उनका जो वोट है वो इधर से उधर बिखर जाता है, इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, या अगर कांग्रेस खत्म हो, कांग्रेस के साथ जो हिंदू तत्व कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं वो अगर मोह भंग होकर के उनको अपनी ओर खींच पाए तो मुश्किल है। फिर जो लेफ्ट के अपने जो कैडर हैं वो भी बहुत मोटिवेटेड कैडर हैं, उसको ही तोड़ना मुश्किल है, वो उतने ही मोटिवेटेड हैं लेफ्ट फिलॉसफी के प्रति जितना मोटिवेटेड है आरएसएस के लोग संघ फिलॉसफी के प्रति, तो उसको तोड़ना आसान काम नहीं है। जो फ्लोटिंग वोट है उसको अपने पास लाना, क्योंकि एक बड़ा वर्ग होता है फ्लोट करता है, वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है करते हैं। तो हम लगता है फ्लोटिंग वोट पर इसकी नज़र है भारतीय जनता पार्टी की, कि हमारे जो अपने लोग हैं मजबूत रहे और फ्लोटिंग वोट है वो भी हमारे तरफ आए, इसी कोशिश में कर रहे हैं। अब देखिए सफल होते हैं कि विफल होते हैं। चलिए एक छोटा सा जी 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 है कि राजनीति के लिए वोट के लिए सत्ता के लिए इनको जो करना है पार्टियां करें, उसमें हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब इससे है कि हमारे देश में राजनीति में हिंसा खत्म होनी चाहिए। एक व्यक्ति को आप टुकड़े टुकड़े 20-20 टुकड़ा में काट दीजिए, उसको छुरा भोग के इस प्रकार की नृशंसता जो हो रही है इसका खात्मा होनी चाहिए। और ये जिम्मेवारी वहां वामपंथियों की सरकार है, ये उनकी जिम्मेवारी है। अगर आरएसएस के लोगों ने उनके कार्यकर्ता को मारा है तो उनकी जिम्मेवारी है कि उसको अरेस्ट करके उसको सजा दें। लेकिन राजनीति के लेकिन हिंसा को आप राजनीति का हथियार बनाए ये देश में नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के लोग भी घोर विरोध करेंगे। केरल में राजनीतिक हिंसा इस प्रकार से हर हाल में खत्म होनी चाहिए। चलिए निश्चित रूप से केरल में इस तरह की राजनीतिक हिंसा खत्म होनी चाहिए। इसी बात के साथ इस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। बने रहिए हमारे साथ। घंटा जगरण में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की, हालांकि विषय काफी महत्वपूर्ण है, समय थोड़ा कम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे इसके सभी बिंदुओं को समेटने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक फैसला आया था, उसमें कहा गया था कि मदरसों की भी निगरानी की जाएगी, कि जब स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रगान हो, इसके विरोध में एक व्यक्ति जो है वो हाईकोर्ट गया और उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ जो है इस फैसले को रद्द किया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को रद्द किया और ये कहा गया कि मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। सवाल कई सारे हैं। सवाल ये कि एक देश में रहते हुए कोई व्यक्ति कोई संस्था ये कैसे कह सकती है कि उसे राष्ट्रगान से भी ऐतराज है, और ये किस तरह की मानसिकता है हम देश में इस तरह की क्योंकि विभाजन की स्थिति करना कि आपको राष्ट्रगान से भी ऐतराज हो। राष्ट्रगीत पर तो सवाल कई बार उठे हैं। दिलीप जी आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो स्थिति है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया, लेकिन ये इसको लेकर के कोर्ट जाना और ये कहना कि नहीं हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे या राष्ट्रगान इस आदेश को रद्द किया जाए, ये किस तरह की मानसिकता है? देखिए आदेश क्या है, कोर्ट ने कहा है कि मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाना अनिवार्य है, पीरियड, नंबर एक। नंबर दो, हमें अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। और ये उन्होंने उस याचिका पे कहा जिसमें ये कहा गया कि उसको राहत मिलना चाहिए राष्ट्रगान गाने से। तो आप सिंपल सी बात है कि ये अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी भी कोर्ट हो, जुडिशियर, संविधान, माने आप भारत के उस स्ट्रक्चर को जो भी लोग जिस जो भी जाके वहां पे इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि उनका उनकी मनसा पता नहीं क्या थी, लेकिन कुछ लोग इस मनसा को इस तरह को हवा देते हैं। हालांकि राष्ट्रगीत को लेके कुछ चीजें, लेकिन राष्ट्रगान को लेके वहां जाना, ये चुनौती वहां पे जाके देना,
ये अपने आप में उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति, जिस संस्था ने ये कहा है, मुझे लगता है कि ये झूठ मांगना ये कितना हास्यास्पद है और कितना गंभीर है कि आपको किस चीज से आखिर कोई तो एक चीज होगा जिस पे आप कहेंगे कि नहीं, इससे हमें छुट्टी नहीं चाहिए, इससे हमें अलग नहीं होना है। आपका आप कहते हैं हम मादरे वतन या तमाम बात आप इतनी दावे करते हैं, तो फिर आपको कहीं तो उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि मतलब ये एक आध लोग या 1% लोग, सवाल 1% का नहीं है, सवाल है अगर इस परसेंट के लोग भी कहीं जाते हैं तो क्या समाज उसको बायकॉट करता है, समाज उस पर सवाल उठता है, समुदाय उस पर कहता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कोर्ट के तरफ से ये कहा गया है, अब उनके पास विकल्प है इस देश में हमने देखा है विकल्प है स्वतंत्र, लेकिन इस विकल्प को मुझे नहीं लगता है किसी कोर्ट से इस पे कोई छूट मिलने की छूट। अवधेश जी, ये एक तो मामला ये है कि ये कहा जा रहा है कोर्ट, अब इसको सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी कि नहीं, लेकिन ये अपने आप में बड़ा गंभीर है कि आप किस किस चीज पर सवाल उठाएंगे। आप कुछ लोग एक भले ही कितने कम फीसद हो, 1% हो, 2% हो, लेकिन उनको हर चीज से समस्या है, इस देश से समस्या, सरकार से समस्या समझ में आती है। लेकिन जब आप जो कोर्ट से लेकर के CBI से लेकर के सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी लोग सवाल उठाते हैं, अब जो है ये कि आपको नेशनल एंथम से भी दिक्कत है, ये जो एक आपको लगता है कि इस देश के अंदर ही एक वर्ग ऐसा धीरे धीरे पनप रहा है जिसको कुछ लोग मौन स्वीकृति भी दे देते हैं मानवाधिकार या फिर बोलने की आजादी के नाम पर कि आप राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए। अब ये राष्ट्रगान का विरोध को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक खतरनाक प्रवृत्ति हमारे देश में एक पैदा हो रही है और मुखर हो रही है। पहले भी ये देखिए, ये प्रवृत्ति आज तो हुई नहीं होगी, ये प्रवृत्ति थी लेकिन उसमें मुखरता की कमी थी। अब ये मुखर होकर सार्वजनिक रूप से ये देश विरोधी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोग सेकुलर बात की राजनीति करते हैं, सेकुलरिज्म की, वो इन मुद्दों पर चुप रहते हैं। जो लोग पुरस्कार वापसी करते हैं वो इन मुद्दों पर चुप रहते हैं, वो इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरा कहना यह है कि आज अगर कोर्ट नहीं होता मान लीजिए, तो इस देश में इसके इतनी हिम्मत के साथ कौन कहने के लिए खड़ा होता कि आपको राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा और गाना होगा। लेकिन मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया, लेकिन क्या वहां एक सिपाही और पुलिस या फोर्स को आप खड़ा रखेंगे कि आदमी गाता है कि नहीं गाता है? यह मानसिकता में परिवर्तन की चीज होती है ना। अगर उसकी मानसिकता में है कि हमको नहीं गाना है, तो कोई भी फोर्स, कोई भी सिपाही उसको चेंज नहीं कर सकता है। आप डर से कुछ समय के लिए आप उसको मजबूर कर सकते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है एक राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति कि हमको अपने राष्ट्र से जिस आधार पर प्रेम करना चाहिए, जिस जनगण मन को गा करके और लोगों ने आजादी किया, एक अहिंसक संघर्ष किया पाया, उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सारे शामिल थे, उसमें आज लोग मजहब के नाम पर कि हमारा मजहब इसके आ रहे आता है और इस ढंग से खड़े हो रहे हैं और दुर्भाग्य से उनको सपोर्ट मिल रहा है। अवधेश जी, इसमें एक और सवाल है। आपने मजहब का जिक्र किया, मजहब का जिक्र तो राष्ट्रीय गीत को लेकर के हुआ, जनगण मनगण को लेकर के कोई मजहब बीच में आ रहा आज तक नहीं आता था। लेकिन अब जो मजहब की राजनीति हो रही है उसमें मैंने सुना था वो वैसे बोल रहे थे कि इसमें सिंध है, सिंध की हम बात क्यों कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो सिंध नहीं है और इसमें इतने ही राज्य क्यों है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा कहाँ और दूसरे राज्यों का नाम क्यों नहीं है। तो वो अपने लिए एक निकालते हैं ये कि सिंध तो पाकिस्तान में है। असल बात यह है कि वो बिल्कुल यहां जो भी मान्यताएं हमारे देश में स्थापित है राष्ट्रगान को लेके, राष्ट्रगीत को लेके, उसके प्रति एक इस्लाम उसका इस्लाम के मत का नहीं है। ये जो एक बहावी विचारधारा हमारे देश में खड़ी हुई है जिसको रेडिकलाइजेशन कहते हैं, जो कि एक एक, एक, एक उग्रता की हद तक जा रही है, उसका शमन करना पड़ेगा। देखिए, उसके विरोध में, उसका विरोध भी अहिंसक तरीके से, अगर उसके विरोध में उससे ज्यादा संख्या में जनता खड़ी नहीं होगी कि यह गलत है, उस समुदाय के अंदर से भी लोग खड़े नहीं होंगे, तब तक आप इसको नहीं रोक सकते। और मुझे लगता है कि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ते बढ़ते यही प्रवृत्ति थी जिसने 1920 के असहयोग आंदोलन से जो एक बीज बोया वो बढ़ते बढ़ते और आपको 1947 में भारत विभाजन तक पहुंचा था। तो आज भय ये पैदा हो रहा है कि क्या ये सब लोग इसके नाम पर कि हमको राष्ट्रगान गाने को मजबूर किया जा रहा है, हमको राष्ट्रगीत गाने को मजबूर किया जा रहा है, हमको राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए ऐसे देश में हमको रहना ही नहीं चाहिए। क्या कुछ लोग जानबूझकर के आधार बना रहे हैं कि हमको इस देश से अलग किया जाए?
उपेंद्र जी आपकी एक टिप्पणी, उसके बाद एक बड़ा सवाल जो है ये वो ये यहाँ पर उठ रहा है कि क्या वाकई में एक वर्ग फिर से इस तरीके से धीरे धीरे अपनी विचारधारा इस तरह बढ़ा रहा है कि उन्हें इस देश के झंडे से, इस देश के गीत से, इस देश के राष्ट्रीय गान से, इस देश की संस्थाओं से दिक्कत है, तो वो अलग राष्ट्र की मांग एक बार फिर से उठने की स्थिति की ओर हम जा रहे हैं क्या? इस सवाल पर भी थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, ये जो अभी हम देख रहे हैं वास्तव में पहले भी था, पहले दिखाई नहीं पड़ता था। उसके दो कारण थे। पहले तो लैंग्वेज का जो कर्टेन होता है, या कहिए आप लिपि का कर्टेन था, वो लोग क्या आपस में संवाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खास करके हिंदी क्षेत्र के लोग, उनके लिए उर्दू भाषा थी। उर्दू भाषा की कौन अरेबियन पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट है, तो उस स्क्रिप्ट को जानने वाले लोग जानते नहीं थे कि वो क्या आपस में बात कर रहे हैं। हमारे बीच आपके बीच अगर कुछ बात कर रहे हैं और आपस में कुछ और संवाद कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया सामने, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिपि नहीं होती है, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, उसमें आवाज़ होती है। तो जो भी आप अपनी भाषा, जिसको आप उर्दू बोलते हैं और जिसको हम हिंदी बोलते हैं, जो वास्तव में एक ही भाषा है, आप जो बोल रहे हो हम समझ रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इससे बहुत सारी बातें जो छिपी हुई थी वो सामने आने लग गई। फिर है कि सोशल मीडिया भी आ गया, तो सोशल मीडिया में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके, पहले हम जानते थे उनके बारे में कि कोई ओवैसी क्या बोल रहा है पता चलेगा, कोई और फला शाहबादी हैं, या कोई निजामाबादी हैं, या कोई अजीमाबादी हैं, और कौन है कौन कौन है, कोई आजम साहब हो हैं, तो उनके द्वारा हमें पता लगता था कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब उसके जो एक एवरेज व्यक्ति है वो भी सोशल मीडिया पर आ रहा है, तो बहुत सारी बातें जो नहीं पहले पता थी वो पता चलने लगे। इसमें कुछ नयापन है। नयापन ये है कि वहाबी एक है जो कट्टरवादी संस्था है, उसको सलाफी हो गया, वहाबी हो गया, वो सक्रिय हो रहा है इधर पिछले दिनों से, तो वो एक अलग अपना एजेंडा फैला रहा है। एक नई चीज़ है। लेकिन बाकी और सब बातें, जब मैच होते थे, हॉकी मैच होता था, तो लोगों को पता है कि कुछ लोग इंडिया में है, कुछ लोग तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए हैं, कुछ लोग हरा झंडा हाथ में लिए हुए हैं। क्रिकेट मैच होता था तो जब भारत हारता था तो उसी मोहल्ले में पटाखेबाजी होती थी। ये तो कम हो गया है पहले, और ये ज़्यादा होता था 60s में 70s में जो दंगे हो जाते थे भारत में। क्रिकेट का मैच होता था तो बहुत मालूम हुआ कि 10 जगह दंगे हो गए। वो कमेंट्री जहाँ सुन रहे हैं, यहाँ पर दो समुदाय के लोग हैं, सुनते सुनते आपस में दंगे हो जाते थे। तो ये था वो। अब हम इतना नहीं है कि लोग अलग मांग करेंगे, लेकिन हाँ, जो सलाफी और बहावी एलिमेंट्स है उस पर नज़र रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये जो हो रहा है, जो बातें सामने आ रही है वो आ जाए, अच्छी बात है। सामने आने के बाद ही समस्या जब सामने आ जाएगी पूरी तरह से, तभी उसका समाधान निकलेगा। इसलिए इस समस्या से हमें नहीं डर लगता, हमें लगता है कि इसका जो बातें सामने आ रही है उसका स्वागत होना चाहिए। इसे हमें ही नहीं पता था, हमें ये मालूम था कि वंदे मातरम से उनको ऐतराज है, लेकिन जब योगी सरकार ने मैंडेटरी किया तब पहली बार पता चला कि उनको राज जनगणमन से भी ऐतराज है। जनगण में ये बतलाते हैं कि नहीं है, जनगणमन में तो पूरा का पूरा भारत है, भारत के एक भी हिस्से को नहीं छोड़ा गया है। जब बोलते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ में चारों राज्य आ जाता है, द्रविड़ और विंध्य हिमाचल, तो हिमालय आ गया, फिर गंगा जमुना आ गया, तो गंगा जमुना का जो पूरा मैदान आ गया, हिमालय पर जितने भी स्टेट हैं वो आ गए, पूरा विंध्य आ गया, बंगा आ गया, तो पूरा का पूरा तो लगता है कि चित्रकार कोई है जो पेंटिंग बना रहा है। वो जनगणमन आप देखेगा ना, जब पंजाब से बढ़ते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा, वो किनारे किनारे देखे द्रविड़ उत्कल, द्रविड़ के बाद उत्कल चले जाते हैं उड़ीसा, उसके बाद बंग, फिर विंध्य, उसके बाद ऊपर हिमाचल, फिर यमुना गंगा। तो एक पूरा का पूरा एक भारत का जो नक्शा है उसकी पेंटिंग है जनगण मन, उसको हिस्सा छूटता ही नहीं। एक सिंध कह सकता कि बाहर है, लेकिन सिंधी लोग तो यहाँ है, सिंध एक कल्चर है, तो उसको हम कहीं छोड़ सकते हैं। वैसे भी वो अनडिवाइडेड इंडिया पे लिखा गया था, अभी भी सिंध तो है भारत। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या वाकई में जिसका जिस तरफ इशारा अवधेश जी ने किया, क्या हम ऐसी स्थिति में जा रहे हैं कि एक बार फिर से क्या कुछ लोग देश को बांटने की कोशिश की करते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, कुछ लोग या कुछ ज़्यादा लोग कोशिश कुछ भी कर लें, मुझे लगता है कि भारत में ज़्यादातर लोग इक्के दुक्के कुछ, जिनको कि अपना कुछ इंटरेस्ट होगा या कोई किसी के हाथ का खिलौना होगा या किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा होगा या किसी न किसी से वो फंडेड होगा या इन्फ्लुएंस्ड होगा, ऐसे लोग चाहे वो देश के दुश्मन हो, चाहे देश के कई सारे अंदर बाहर में उसकी बात, तो ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन ये कुछ लोग जो हैं, इनको भारत में ये भूल जाएं जो भी लोग हैं कि भारत 47 और अब 2017, इन सालों में भारत एक अलग तरह से विकसित हुआ है। आज हर एक बच्चा
जिनको नहीं भी पता है, जो कम भी जानता है, वो खड़ा होता है। अगर एकाध कोई इस तरह से अपवाद है, मुझे लगता है कि वो आवाज इस तरह से छोट में जा सकते हैं, उनको यही मिलेगा, क्योंकि कोर्ट होता है संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कुछ चीजें आपके नागरिक के हैसियत से भी और अदरवाइज आपको जो राइट्स है उसके साथ ड्यूटीज भी है। पर क्या ऐसे विचारों की संख्या बढ़ रही है देश में? मुझे नहीं लगता है ऐसे विचारों को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश जितना वो करेंगे उतने ही लोग, उतना ही ज्यादा लोग इसको निगेट करेंगे, इसको अपोज करेंगे, इसको शॉट डाउन करेंगे और इसके विरोध में खड़ा होगा। तो इसलिए उस तरह की कोई स्थिति ही नहीं बनने देगा भारत के लोग, वो चाहे किसी राज्य में हो। मुझे लगता है आप जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर इतना बड़ा राज्य है, कहाँ आतंकवाद है? ये चार जो जिले हैं जहां पाकिस्तान समर्थित कुछ, उसमें भी कुछ जो लोग हैं, जो कुछ लोग डर के भय के मारे चुप हो जाते हैं, नहीं तो जिस दिन वो भय खत्म होगा वो लोग भी उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो चुनौती है। हाँ, ये चुनौती है कि कुछ लोग इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दिलीप जी ने कहा एक सकारात्मक विचार दिया है, लेकिन देखिए ये विचार अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। कोर्ट में कोई एक व्यक्ति गया है, लेकिन उसके पीछे लोग होते हैं, तो इस विचार का, ये विचार फैले नहीं, ये विचार आगे विष बन करके और देश में जहर न पैदा करे, इसके लिए इस विचार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। अपने आप ये नहीं हो सकता है कि हाँ अपने आप ये विचार जो है खत्म हो जाए, जिस ढंग से रेडिकलाइजेशन का विचार उनके अंदर चारों तरफ बढ़ रहा है और ऐसे कुछ नेता खड़े हो गए हैं और वो चुनाव भी जीत रहे हैं। वो देखिए कितना मिल रहा है, चुनाव भी जीत सरकार ने जो फैसला किया, कोर्ट ने भी उसमें मोहर लगा दी। नहीं, कोर्ट ने लगा दिया, लेकिन कोर्ट मजबूर नहीं कर सकती है किसी को गाने के लिए अंदर से। मजबूर कर लोग कर देंगे, तो वैसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मजबूर करेंगे, मैं मजबूर करूंगा, देश मजबूर करेगा, और यही देश जो है वो इतना मजबूत है कि ये मजबूर लोग दिखाई नहीं देंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी आपका, दिलीप जी आपका, उपेंद्र जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। लबोलो आप यही है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की विचारधारा को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया सकता, अगर आप देश में रह रहे हैं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संपत्तियों का सम्मान करना आपको करना ही होगा। इसे आप मजबूरी मानिए या कोई अपनी स्वेच्छा से करिए। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही, आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।